तो दोस्तों जब आपके फ़ोन में टॉक बैक ऑन होता होगा तो कुछ आपको ऐसा सर्कल दिखता होगा, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, तो ऐसा सर्कल आएगा और इसे जहाँ क्लिक करोगे ना उस चीज़ को दर्शाएगा, वो चीज़ क्या है वो आपको बताएगा। जैसे मैंने सेटिंग पर क्लिक किया तो इसने बता दिया सेटिंग जीरो नोटिफिकेशन, इसे अगर डबल टैप करते हो तो ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने टाइम पे क्लिक किया तो यहाँ पर बता दिया इसने कि 9:27 हो गए, अगर डबल टैप करोगे तो ये टाइम क्लिक हो जाएगा, सेटिंग भी चला जाएगा। और मैंने डेट पे क्लिक किया तो इसने बता दिया कि आज संडे है 12 दिसंबर अभी AM चल रहा है। तो अब जैसे मैंने दोस्तों इसको अगर ऑफ करना है ऑन करना है तो इसे कैसे ऑफ ऑन करना होगा, बहुत ही अजीब तरीके हैं। मैं बता दूँ दोस्तों टॉक बैक किस लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए जो ब्लाइंड लोग होते हैं क्योंकि उनको दिखता नहीं है, तो वो अगर एक टैप पे ही किसी सेटिंग को ऑन कर देंगे तो हो सकता है उनके साथ कोई ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर टॉक बैक का बेनिफिट यही है कि वो एक बार जैसा मैंने इस पर क्लिक किया तो फर्स्ट टैप पे यहाँ पर आ गया और हमें पता चल गया कि ये सेटिंग है, और हम इसे डबल टैप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेटिंग ओपन हो गई है। ये होता है डबल टैप, यानी आप जब भी इसे प्रोसेस करेंगे तो डबल टैप पे जाना पड़ेगा, और इसको सिंगल से चलाओगे तो नहीं चलेगा, इसको आप जब डबल फिंगर्स यूज करोगे तो आप तभी आप इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हो। ये देख लो, अब मैं सिंगल से चला रहा हूँ नहीं चल रहा है, अब ये डबल करूँगा तो अब चलेगा। इसको बंद कैसे करना है, दो प्रोसेस होते हैं, बहुत ही तरीका है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो इसका अप बटन और डाउन बटन है वॉल्यूम के, तो इनको अगर आप वन टाइम पे ही दोनों क्लिक करोगे तो इसके ज़रिए भी ऑफ हो जाता है, और अगर यहाँ से नहीं ऑफ होता है तो सेटिंग में जाना पड़ेगा, और इन्हीं दो बटनों के ज़रिए ये ऑन भी हो जाता है। तो इसे कैसे ऑफ़ करना है सेटिंग में जाके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सेटिंग पे, और अब आपको फिर से जाना अपनी सेटिंग पे। यहाँ पे आपको देखना है कि शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी कहाँ पे, वहाँ पे आपको जाके जहाँ भी उसे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको फिर से जाना है एसेसिबिलिटी में। जैसे कि मेरे फ़ोन में आप देख सकते हो सबसे लास्ट में एसेसिबिलिटी, वहाँ पे जाके आप उसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मेरे फ़ोन में जो दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे ऑप्शंस होगा, दिख रहा होगा आपको टॉक बैक आप पे कहाँ होगा, वो आप पढ़ के अपने हिसाब से उसे ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे जाएंगे तो एक तो आपको ऊपर दिख रहा होगा यूज टॉक बैक और यूज बैक शॉर्टकट, तो आपको यूज बैक शॉर्टकट नहीं क्लिक करना है, जहाँ पर आपको यूज टॉक बैक वो ऑन होगा। जैसे कि मैंने ये ऑन कर दिया तो अभी दोस्तों देखो अलाउ का ऑप्शन आएगा, वैसे डिनाई कर, यहाँ पे आपको जो ये ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑन होगा, आप उसे ऑफ़ कर दीजिए, वहाँ से आपका टॉक बैक ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर आपको इससे इजी तरीके से करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आपको जो भी वॉल्यूम बटन है दोनों अप डाउन दोनों को एक साथ आप क्लिक करके 10 सेकंड तक ही ऑटोमेटिक टॉक बैक ऑप्शन ऑफ आ जाएगा, वहाँ पर जाकर उसे टर्न ऑफ कर दीजिए, बस यही था। सही दोस्तों, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर नए हो और आपने फॉलो नहीं किया है तो ये जाइए अमित गौतम 4667 के नाम से होगा, आप वहाँ से जाकर इसे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो के ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।